भाजपा नेता एवं ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा के बड़े पुत्र आश्रय शर्मा ने शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रम आदित्य सिंह द्वारा की गई अभद्र टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। आश्रय शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक जैसे पद पर बैठे व्यक्ति को मंत्री के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। बता दें कि विक्रम आदित्य सिंह ने पिछले कल अपने फेसबुक पेज पर अखबार की कटिंग के साथ एक पोस्ट डाली थी, जिसमें लिखा था कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का पोस्ट वहां से हटा दी गई है, लेकिन अनिल शर्मा के समर्थकों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। अनिल शर्मा ने ऊर्जा विभाग में कुछ फेरबदल का सीएम जयराम ठाकुर को दिया था और फिर उसमें मंत्री को अधिक शक्तियां देने का सुझाव भी शामिल था। उसको जब मीडिया में दिखाया तो उसकी कटिंग का इस्तेमाल करते हुए विक्रम आदित्य सिंह ने ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा पर निशाना साध दिया, लेकिन इसमें उन्होंने जिस कहावत का इस्तेमाल किया उसे लेकर बवाल मचा हुआ नजर आ रहा है। अनिल शर्मा के पुत्र एवं भाजपा नेता आश्रय शर्मा ने कहा कि वीरभद्र सिंह एंड सन्स ने उनके परिवार को लज्जित करने का प्रयास पहले भी किया था और उसका परिणाम पूरी कांग्रेस पार्टी भुगत चुकी है। उन्होंने कहा कि यदि वीरभद्र सिंह और उनके बेटे में इतना भी गुमान है तो वह इस बार खुद मंडी से लोकसभा का चुनाव लड़कर दिखाएं, उन्हें असलियत का पता चल जाएगा। आश्रय शर्मा ने कहा कि आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह से वह तैयार हैं। शर्मा ने कहा कि पूर्व में जब उनके पिता कांग्रेस सरकार में मंत्री थे तो वीरभद्र सिंह ने मंडी में खुले मन से उनके दादा पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री पंडित सुखराम का अपमान किया था। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा और पूरी तरह से हिमाचल कांग्रेस मुक्त हो गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटें भाजपा की झोली में जाएंगी और वीरभद्र सिंह एंड सन्स को यदि अभी भी अपने ऊपर विश्वास है तो मंडी से आकर चुनाव लड़े, उन्हें हकीकत पता चल जाएगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय संचार राज्य मंत्री पंडित सुखराम के बीच हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा है। राजनीति की ये लड़ाई अब इनकी अगली पीढ़ी तक पहुंच गई है। अगली पीढ़ी भी राजनीति में पूरी तरह सक्रिय है और राजनीति के अखाड़े में दो दो हाथ करने के लिए भी तैयार है। आज की हमारी जो प्रेस वार्ता मंडी में रखी गई थी, इसका मूल उद्देश्य ये था कि लगभग दो दिन उपरांत माननीय मंत्री जी ऊर्जा के अनिल शर्मा जी ने ये बयान दिया था अखबार में, क्योंकि कई वर्षों से पॉलिसी ऊर्जा विभाग में थी कि जो भी अहम फैसले छोटे से लेके बड़े से लेके कोई भी फैसले होते हैं वो बोर्ड उसका निर्णय करता है और मंत्री तक उसकी फाइलें नहीं पहुंच पाती। अनिल शर्मा जी ने ये बात मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखी और लोगों और बोर्ड के समक्ष भी रखी कि किसी तरीके से जब जवाबदेही उनकी है, जब जिम्मेवारी उनकी है, तो फैसले लेने का अधिकार भी उन्हीं का होना चाहिए और इसमें जो भी संशोधन करने का जो मौका है मुख्यमंत्री ने पूर्ण विश्वास दिलाया कि इसमें पूर्ण सोच रखेंगे, विचार करेंगे और इसमें जो भी करने वाली चीज होगी उसको करने का प्रयास करेंगे। मगर उसके उपरांत जो हमारे शिमला ग्रामीण के विधायक हैं माननीय श्री विक्रम आदित्य जी, उन्होंने कुछ फेसबुक में अपने टिप्पणी डाली और अनिल शर्मा जी जो वरिष्ठ मंत्री हैं ऊर्जा विभाग में हमारे भाजपा सरकार में, उनके खिलाफ उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनका आंकलन जो है उन्होंने एक गली के कुत्ते के साथ किया। मैं उसका कड़े शब्दों में विरोध प्रकट करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, पूर्व में भी ऐसी भाषा का प्रयोग पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वीरभद्र सिंह जी के माध्यम से यहां मंडी में हुआ, जब उन्होंने पंडित सुखराम जी को आया राम गया राम करके उनके गृह मंच में लज्जित किया। उसका जवाब मंडी जिला के लोगों ने ऐसा दिया कि कांग्रेस एक भी सीट इस जिले में निकालने में कामयाब नहीं। मेरा यही मानना है कि अगर विक्रमादित्य जी को अभी भी कोई शंका रह गई है तो वे आने वाले जो 2019 के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस का टिकट लेकर स्वयं आए और एक बार फिर आर पार की लड़ाई के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, परंतु ऐसी अभद्र भाषा का ना हम बर्दाश्त करेंगे और ना ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग राजनीति के अंदर होना चाहिए।